जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाँचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसको पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, हमारा जो इष्ट है, वो तो जल है। उसके लिए जो प्रयत्न किया गया वो साधना है और वो पूजा है उसको पाने की। तो इस प्रकार इसको पूजा और इसको समझना। हमारी आस्था तो जल के अंदर है, उन इंस्ट्रूमेंटों में थोड़ी है, अरे उनके बिना वो मिले नहीं। तो इसी प्रकार ये जो प्रथम मंत्र आपके दे जाते हैं ये साधना है। और जैसे दूसरे शब्दों में दास आपको कहे कि जैसे ये मंत्र एक ऐसी कमाई है, ऐसी शीघ्र अफेक्ट करती है देवताओं को, विवश करते हैं ये मंत्र आपको लाभ देने के लिए। जैसे आपको बताया था कि भैंसे को भैंसा भैंसा करता रहो, वो कभी ध्यान नहीं देता। आप वैसे गुण गाए जाओ, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता माँ देवा, ये हम घोट रखे थे हमने, ये कभी नहीं सुनेंगे। और इनका एक मंत्र दे रखे आपको, उसका जाप करो, तुरंत अटैक होगा उनके ऊपर जाके और सतर्क होंगे, क्या हो गया बच्चे को, क्या डिमांड है इसकी, देखो इसका अकाउंट कितना हमारे इसमें, उस तुरंत उसका राहत दी जाएगी। तो जो पैसे ने बैसा बैसा करो कति नहीं सुने, अरे एक बार कर दो हुर्र, वो तुरंत देखेगा नू और अट्रैक्ट होगा, दौड़ने की चेष्टा करेगा उस आवाज़ की ओर। तो परमात्मा ने ये मंत्र हमें दिए थे, लेकिन बीच में काल के दूता ने इस कबीर पंथ का जहाँ स्टार्ट हुआ था दामाखेड़ा वालों से, तो पाँचवीं पीढ़ी तक ये पाँच मंत्र चले थे। उसके बाद छठी पीढ़ी में दामाखेड़ा वालों के जो महंत था वो एक टकसारी नाम का इसी कबीर पंथ की ब्रांच बन गई थी नकली, उसने भ्रमित कर दिया कि तुम बात करते हो सतलोक की और सचखंड और सतपुरुष की और पूजा कर रहे हो तुम देवी देवताओं की, ये कहे कि भक्ति है तुम्हारी, तो भ्रमित हो गया, उसको ज्ञान नहीं था जो छठा पीढ़ी वाला था। उसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द सेलेक्ट कर लिया जो कबीर सागर में लिखा है, अजर नाम अमीर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का काम, ये कोई मंत्र है? ये तो एक श्लोक शब्द है। तो इन मंत्रों से इन आपकी पूजा नहीं है। पूजा हमारा कबीर देव पूज्य है, उसको प्राप्त करना, सतलोक हमारा प्राप्त करना उद्देश्य है। और ये साधनाएं हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रयोग करने ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो सतनाम आपको दिया जाता है, सतनाम के अंदर एकाध सिरफिरा जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई, परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे, अब बच्चे को बालक थोड़े ही एजुकेटेड हैं, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं, उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने, आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला, पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है, तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने, और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूँ और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहाँ लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली, तो बुद्धिमान होता ये। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, रूस में अहंकार अभी शेष था, वो खड़ा लाइन में
कहने लगा जी मैंने दो बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा ली जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है उल्टे सुलटे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ। तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी, वो एम था उसके अंदर, अहंकार था। अब टीचर मैं, डॉक्टर मैं हूँ, रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर चार पांच जड़ियाँ मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती हैं, और जब उनको सिंगल सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती हैं, और जिनको दो में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसके समझ में आई कि ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है विश्व में, आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पर दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। जो साधना दूंगा और फिर ये साथ साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए छह छह उदाहरण देता हूँ, ऐसे मजबूत जो अलाए नहीं हिल सकते। यही मंत्र किस किस ने जाप किया? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही दो मंत्र का अखर का नाम यही जाप किया, आपके रूब रू कर रखा है। नानक साहिब जी परमात्मा से सीधे मिले, परमात्मा उनको बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए और फिर उनको वापस छोड़ा, तीसरे दिन एड्रेस रखा। और फिर उन्होंने कौन सा नाप जाप किया? उनकी समुद्र की साखी परमात्मा जो भाई बाला वाली जो साखियां हैं, जन्म साखी, उसके अंदर एक समुद्र की साखी है। उसमें एक कथा है कि एक समय बाला और मर्दाना नानक साहिब के साथ रहा करते थे अधिकतर। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव हम श्रीलंका जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दया करो। उन्होंने कहा आँखें बंद करो, आँखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर चलेंगे और वाहे गुरु बोलते रहना। तो ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, आगे आगे गुरु नानक देव जी, पीछे वो दोनों बच्चे बाला और मर्दाना। तो पर नानक साहिब जी ने, वैसे तो सिमरन स्वास से करना होता है, उन्होंने जानबूझ कर झटका देना था क्योंकि परमात्मा का सख्त आदेश था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान अभी कई बार ना ला जाए, ये सार नाम और सतनाम अभी किसी को देना नहीं, नहीं तो नकली पंथों के हाथ लग जाएगा और जब मेरा दास आवेगा वो कैसे भिन्नता बताएगा, ये सारी विचलित हो जाएगी कहानी, हमारा सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और काल का फिर से दाव लग जाएगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो महापुरुष थे, जैसे वेद में लिखा है कि दृढ़ भक्त को मिलते हैं वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं, तो दृढ़ भक्त थे नानक साहब जैसे, उन्होंने कभी किसी सिख को ये नाम नहीं दिया सतनाम, बल्कि सख्त एक ऐसा झटका दे दिया कि सब घबरा गए कि इस मंत्र को छूना नहीं है। नानक साहब जी ने उच्चारण करके ये दो अक्षर का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मर्दाना ने सोचा कि गुरु जी तो सतनाम जाप कर रहे हैं ये दो अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, तो क्यों ना मैं भी जाप करूं। मर्दाना फिर वो दो अक्षर का मंत्र जाप करने लगा तो वो लगा डूबने, नानक साहिब जी ने देखा। तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो दो अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शिष्य को मना किया, क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उन्होंने उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो भट्ठा बैठ जाएगा, आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया लेकिन सीधा नहीं रखा, और वहाँ से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे, सचखंड लेकर गए और फिर बहुत काफ़ी समय 10-12, 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। उसमें गरीबदास पंथ में ये मंत्र नहीं है सतनाम का, ओरक में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और ग्रंथ साहिब गुरु गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंग जाप, असंग जन्म तक जाप कर लिया आपने और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्म लोक में चले जाते हो, वहाँ से फिर वापस आ जाते हो। नमा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया ददलोई, आवागमन बहुर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है इस भ्रमणा में ना रहना, अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सरे चढ़ी है यह कहानी, कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है, हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुँच जा। तो पुण्यात्माओं परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है, घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है, और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है और ये रहेगा भी, जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं, ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है, वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते यानी उसकी कीमती नहीं होती तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है, और जो जो वो पकती चली जाती हैं और वो उनमें कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है और इतनी झुक जाती है कि ज़मीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईव उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई, और जब तक वो यूजलेस थी वो नो खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते, उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है, और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रहा आकर नोक, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी, सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृतवाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं, चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर या इस चिप के अंदर
से जो सत्संग सुनते हैं वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा, फिर उसको बुरा लगेगा तो झुका नहीं गया प्रणाम नहीं करेगा तो उस पर रुका है नीचा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, इस ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ दो वर्ष के हो गए, कोई चार बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं, तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है, और उनको जिसको जहाँ कोई त्रुटि होती है ये वचन वहीं काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर दर्द काम करेगा जो रोग होगा, इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहाँ काम करेगी जहाँ वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है, और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है, और उसमें उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियाँ आएंगी और आ भी रही हैं, और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है, और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है, तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, फिर जब पूरे विश्व में यह ज्ञान फैल जाएगा, सब आपके साथी हो जाएंगे, आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सच लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार 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 रह रह कर सुनाओगा, तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी, और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे बिल्कुल सही यही है ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान, और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो, ये तो आज़ादी की सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब काय करता चले मैदान। मैदान तो कर दिया शंकराचार्य, हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जाओ जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावाएंगे उसको, एक समाज को एक दिशा दे दें, लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, अके जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता ये बवंडर बना देते, और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूँ इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर। तो वो यहाँ नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतज़ार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने, इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, दो तीसरी मन्नत दो दी उनकी यहाँ पर
दिखा दिया किसे शंकराचार्य है और किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। वैल्यू है, कहते हैं परमात्मा, कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए। अब भक्ति का मिलना यह बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर उसको सुरक्षित रखना वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका। तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी, जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि तो बच्चे का झटका लग जा, रात को करवट ले भी गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और ख़राब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। इसमें फाउल पॉइंट हैं, आन उपासना नहीं करनी। संसारिक व्यवहार के जो भी कार्य हैं जो भक्ति परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं वो नहीं करने, और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है, पति पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी तो कैसे ऐसा क्या कर रहा है, पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पर चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा, ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी, जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर जो सुन भी नहीं रहा समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है, ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनको भी उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। यदि किसी का कपड़ा ज़्यादा खराब हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा, और जिसका थोड़ा मैला है एक दो बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है परमात्मा का, जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहा है उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसकी उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा, और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते हैं और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया साफ हो गया, ज़्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण अपने जीव के ऊपर आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे, मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, पांचों यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जा करके आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बता रहा है कि ये भ्रमित ना होना, ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो वहाँ से लो। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं, और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे वो महापुरुष जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है।
और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड, तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी कि भगवान, वो कहता मैं समाधि लगाता हूँ, भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या? फिर तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी किसी ने पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है, साकार आता जब राम कृष्ण रूप बन जाता फिर निराकार हो जाता है, तो खा ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है, ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा है। और यही वो संत बताते जिनको भगवान ने जिन आँखों देखा वहाँ पर, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास ने करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, वो अपने कर्म बिगाड़े हैं, तो वो भी भगवान के बच्चे पर भ्रमित हैं, उस काल से प्रेरित हैं, उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे हैं। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं, और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है। और आज देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त या पहले महापुरुष रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अपने सत्र का दे ही गए, उन्होंने आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर किए, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, तो ये अपराधी हैं उस परमात्मा के। इनको चाहिए अपना भी कल्याण करावें और सच्चाई से अपने अनुयायियों को भी परिचित होने दें, इनका भी कल्याण हो जाएगा, समय आ गया, ये तो होगा ही होगा। ये कह देंगे तो इनका जो है बड़ी शाबाशी होगी, इनकी इज्जत रह जाएगी, और नहीं तो चले तो यहाँ आवेंगे फिर ये अकेले बैठे रहेंगे वहाँ पर, रोए जाइए अपने कर्मा ने। आज कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने जीवन को नाश करेगा जब पता लग जा। तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि गुरु ही बदलना चाहिए, कोई बात हुई या एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो 100 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो दस पाँचा, और झूठे गुरु के पक्ष को तज ना लावे वार, और द्वार ना पावे शब्द का वो भटके वार का वार। और इतना शीघ्र बदल देना चाहिए गुरु को, कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेहरा देखा जर जरा उत्तर चले फड़क। पहले बेड़े होया करते थे, फ्लोटिंग लकड़ियों का एक बेड़ा बना लिया, अभी तो नौका तो बहुत बाद में चली है, पहले बेड़ा होया करता था, उसके ऊपर बैठ कर दरिया को पार करके अपना कोई काम करने जाते थे, उन बेड़े के ऊपर बैठ कर जाया करते, तो वो बेड़े कई बार गल जाते थे, कंडम हो जाते थे। तो जब परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप कर रहे हो, जो गुरु की जिस गुरु के जहाज में आप बैठे हो, उसका जब आपको उसके सामने दूसरा जो बिल्कुल ओके बेड़ा आ गया, नौका समझ लो, आप बेड़ा तो नहीं समझ में होगा। अब एक नौका है जिसमें आप बैठे हो, उसके अंदर सुराख हो गया है और जल उसके अंदर घर कर रहा है, अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है, और उसके बराबर में दूसरा कोई सही ओके नौका रख देता है, साथ में खड़ा कर लेता है, और वो कहता है कि भाई तुम डूबोगे इसमें आ जाओ। अब जिसने गुट्टी सूटी ला रखी होगी, नशा कर रहा होगा, तो ठीक है मौज हो रही है, वो तो डूबेंगे, और जिनको नशा नहीं है और उनको पता लग गया दोनों का डिफरेंस कि ये जल आ रहा है तुम डूबोगे इसमें, तो वो जो जिनका नशा नहीं है वो तुरंत एक सेकंड भी ना लावें, तुरंत कूद जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा, यानी टूटा फूटा डूबण वाला उत्तर चले फड़क। फड़क जैसे पशु कई बार आवाज़ सुनकर हॉर्न की
फड़क को भाग जाता काफ़ी दूर, बहुत स्पीड से भागता एकदम। तो कहते हैं ऐसे कूद गए दूसरे में। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, एक सेकंड के अंदर बदल लेना चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज जिस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त, सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना धाड़े। हाय हाय, अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े इन नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर जड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चपका दी, उनके ये कर लो सरहद निकाल लो फलाना कर लो, अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते या नंदा बड़ी भारी, या को मोह को समझ पड़ी है पूजा दी अगारी, जो हड़का जल भर कह लाए चरणामृत ठहराए, हर जड़ के चरण दो कह दिन ने फिर चेतन को फिर प्याए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है, और कभी वहां चले जाते थे, कभी त्यौहार होता था, अब शिव जी का मेला भरता था, तो क्या करते थे उस जोड़ में तालाब में जिसमें महेश भी माए मूत हैं, उस सब नहाया करती हुए भी पेशाब करें टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा, और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते, और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते, उसने चरणामृत बना के सारा ने बाटा करता पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से और चरणामृत ठहराए, अर्जड़ के चरण धोके प्याए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धोके प्याए, और जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर प्याए, चेतन को प्याओ जड़ की जो पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं कौवा मच्छा और मीन जल पिया, और बिष्टा की नामाई, गुरुआ कह तो गारा लग गया जुग जुग छूटे नाही, भरम विधूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, और पांडे को तो परख नहीं ये कीचड़ी मुँह में धोवे। हाय हाय, कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरव भूत मसाणी पूजें और दुर्गा देवी ध्यावें, उत्ती के तो तब ही बाजें जो बकरे आण कटावें, भेड़ पूछ को पंडित पकड़ ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला सत्संग नहीं मिला वो भव जल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़ें, ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार करना कराने के लिए ऐसी साधन ऐसा साधन दे रखा है, जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा ये पार कर देगी तुझे, तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो वाटर प्रूफ हो, और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें बैठा फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़न से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी मोक्ष कराने के लिए, जैसा आप उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी जैसे भेड़ की पूछ पकड़कर दरिया पार करते, और वो भी भादो वाली दरिया, भादो के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएँ ओवर फ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं, और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहाँ कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी भी हंगा, और गरीब दास वह भव जल डूबे
जिन नहीं साध सत्संग, जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यहीं डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चा मैं पार। अब थोड़ी सी इन नकली गुरुआ की हिंदी करता हूँ, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि बारहवां पंथ, जब गरीबदास बारहवें पंथ का जो संचालक होगा, प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था, वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है, तो ये कबीरपंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने यो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें, कबीर सागर में उसको संशोधित करते हुए, कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियां हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद क्रिया करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर, परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी में दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंदर रखा खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी के लकड़ी का एक मनिया बना कर एक जनेऊ से बांध देते हैं। और यहाँ जो भगत आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो, तो वो दृढ़ हो जाते हैं, उनको इसने नहीं उतारें, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने सब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार उपार हो गए, अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा, इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा, एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे ते क्या हो, ऊपर त दिख भगत और अंदर रख्या खो, ना साधना ठीक ना ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ मिले है जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए भेद। ओए होए होए, अपनात्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूक का गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद, और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत, जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सर्जनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते,
वेद का ज्ञान होता, तो कहते हैं ये वेदों ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए लिए। आपने एक नकली महर्षि दानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने, और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने, ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिरे, ये हाथों में लिए वेद। जहाँ भी आप महर्षि दानंद की फोटो देखोगे, वेद पहले दर रखे उसमें चारों जानी संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सना हो जैसे, और कक्का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं आज तक ये इनमें बिजली गिर रही थी, हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बालका जैसे ज्ञान के भी, इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधारीय मान्या करते, और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी, कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं। बता वो एक इंसान भी था और महर्षि की पदवी पाएंगे। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दरिया स्वरूप, या मैं मीन नमेख है जैसा संवल रूखे। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मन महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दरिया स्वरूप, और या मैं मीन नमेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है तोता, ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतज़ार किया कि फल खाऊंगा, इस फल इन यहाँ ये पेड़ गणे हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते ने। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हो बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन नमेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये करकंकन नेपाल, मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। कहते हैं कान चिराणते कान में मुद्रा पैरणते और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हें तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दें, और कति गोटम गोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन तो यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने,
एक कबीरपंथी गीसापंथी संत था और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर। तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ, स्लेट पे लिख दिया। तो वो चाय ले आए, फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब वो स्लेट पे लिख है और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोल रहे सैनो भेव इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया, बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना प्रसैदल देव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 24 जुलाई 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम भक्ति जो परंपरागत चल रही थी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और पितृ आदि श्राद्ध देना, तीर्थों पर जाना, व्रत लेना आदि, यही पूजाएं करती थी। और इन पूजाओं को करने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? 2017 में मेरी मम्मी जुड़ी हुई थी तो मैं अपनी मम्मी से मैंने ज्ञान सुना उनका कि ये गुरु जी ऐसे ज्ञान बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज्ञान बताते हैं कि मतलब ऐसी भक्ति विधि बताते हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि कैसी भक्ति है, कबीर को परमात्मा बता रहे हैं कैसे, मतलब प्रमाण क्या है इस चीज़ का। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, यूट्यूब पे सुना ज़्यादातर, टीवी पे भी सुना, लेकिन मैं इनका सत्संग लीड लगा के फ़ोन में सुनती थी। तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ कि इनके जैसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं अभी कभी भी मैं जब सत्संग सुनती थी टीवी पे तो मुझे नहीं लगा कि मतलब कभी किसी के सत्संग में कि हाँ इनका ज्ञान में कुछ दम है, लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि सच में इनका ज्ञान सबसे अलग है और ये शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति विधि है वो बता रहे हैं। तो फिर मैंने 24 जुलाई 2019 को दिल्ली द्वारका सेक्टर 1 से नाम लिया और परमात्मा की शरण मिली मुझे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो मुझे बहुत हुए, लेकिन खास विशेषकर एक लाभ ऐसा है कि जो मैं बहुत सालों से दुखी थी, जिससे 8 साल से कम मेरे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर में मेरा दर्द बना रहता था, 24 घंटे में खाना खाती थी, मुझे वोमिटिंग होती थी, आँखों में मुझे इतनी तकलीफ होने लगी कि मेरे आँखों में ऐसा लगता था कि मेरी बस रोशनी भी अब जाने वाली है आँख की। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद 15 दिनों तक जो भक्ति विधि की, जैसे मंत्र जाप करना, उनका सत्संग सुनना, तो मंत्रों से ही मतलब मुझे इतना फर्क पड़ा कि मेरा सर का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सर बिल्कुल एकदम मैं हल्की हो गई हूँ और जैसे आँखों में जैसे नई रोशनी आ गई हो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो उस दिन मुझे मतलब इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और इनके मंत्रों में जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। माइग्रेन की समस्या पूर्ण रूप से सही, स्वस्थ हूँ मैं। और उसके बाद मेरे में शारीरिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, घर में भी बरकत है और सब खुशहाली है मेरे घर में, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर है दिल्ली में, 10 साल से मैं दिल्ली पालम में रहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो 2006 से थी वो मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम थी, उसको दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके सर पे जो डॉक्टर ने बोला कि इसके जो सर के नस हैं उसमें किसी तत्व केमिकल की कमी हो गई है जिसके कारण ये कभी ठीक भी नहीं हो सकता और होगा भी तो इसको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर हम परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई खाता रहा, फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता था। फिर इसको नशे की भी लत लग गई, जैसे बीड़ी गुटखा, ये 24 घंटे इसी लत में रहता था। रात को 12 बजे उठना, बीड़ी पीना, गालियां देना, घर परिवार में इसने मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा था सबका।
और अपना भी बुरा हाल कर रखा था। तो उसके बाद हमने 2007 में इसको नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया हरिद्वार में। तो वहाँ पे इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, इसको मारा गया, बहुत तरह तरह से इसको परेशान किया गया, बहुत बुरी हालत हुई उसकी। मतलब ये थोड़ा बहुत पागल तो हो ही गया था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में जाने से तो ये और पागल हो गया। इतना पागल हो गया कि इसको कुछ होश नहीं थी, ना इसको कपड़े पहनने की होश थी, ना खाने की होश थी, ना पीने की होश थी। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मतलब कभी कहीं चले जाना, किसी गांव चले जाना, कभी किसी शहर चले जाना, कुछ होश ही नहीं है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मम्मी सर्विस करती हैं, मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में नर्स है, और मेरी मम्मी इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैं नौकरी करूं कि अपने लड़के को संभालूं, और मैं हम एक भाई बहन हैं, और भी कोई नहीं है हमारे घर पे। जैसे कोई और अपना जो रिलेटिव है वो दूर रहते हैं, जैसे चाचा जी हैं तो वो बाहर रहते हैं, तो मेरे भाई को संभालने वाला भी कोई नहीं था घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब को सर्विस करती है स्वास्थ्य विभाग में। तो इस हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो सब ने किसी ने बोला कि इसको ना नशा मुक्ति केंद्र में डालो, तो वहाँ तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने उसको दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ भी वो 3-4 महीने रहा, उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी ये था कि दवाई खाता था फिर सो जाता था, फिर वही हाल, बीड़ी दो, गुटखा दो, इधर चले जाना, कहीं भी चले जाना, उसके साथ ऐसे रहना पड़ता था कि कब कहाँ भाग जाए कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद फिर 3-4 महीने रहा, उसके बाद उसको घर ले आए, फिर वही कंडीशन। फिर हमने, हमारे चाचा जी रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उनने बोला कि लेडी हार्डिंग में दिखाओ, दिमागी हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ दिखाओ इसको। तो हम फिर लेडी हार्डिंग में लाए, फिर उन्होंने भी यही बोला कि इसके जो दिमाग में ना तत्व की कमी है सोचने समझने की, ये भूल जाता है कोई चीज़ को, पता ही नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ भी रहे, वहाँ भी मतलब कोई भी 1% भी हमें लाभ नहीं दिखाई दिया। फिर घर ले आई तो फिर किसी ने बोला, फिर हम पंडितों के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टरों से तो हार गए थे। तो वही है जो घर में लोग बताते हैं कि भाई पंडितों के चक्कर में पड़ो थोड़ा, कि पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या दोष है क्या नहीं है। तो फिर हम पंडितों के पास गए, तो पंडितों ने बोला कि आप घर में भागवत कराइए, 7 दिन का भागवत कराइए, और देखना आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और आपके घर में ना पितरों का दोष है, और पितर ही मतलब इसको ठीक कर सकते हैं, और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी मैं करके देख लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने भागवत कराया 7 दिन का, 7 पंडितों को बुलाया, बहुत अच्छे ढंग से, धूमधाम से, बहुत अच्छे, इतने ढंग से हुआ कि हमने 3-4 लाख रुपये खर्च कर दिए इस खुशी पे कि चलो मेरा भाई तो ठीक हो जाए। भागवत किया 7 दिन का, अच्छे से पंडितों की विदाई की, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें 1% का लाभ भी नहीं हुआ, जिसको बोलते ना 1%, उसका भी हमें 1% लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम ना नास्तिकता की तरफ चले गए कि भगवान होता तो ज़रूर सुनता हमारी, क्योंकि आज तक भगवान ने सुनी नहीं हमारी। इतना मतलब दुखी हो गए थे। दुखी होने के बाद फिर एक दिन मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे। तो मेरी मम्मी ने जब सत्संग सुना तो बोला कि ये कैसा ज्ञान है जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएँ हैं, ये पूर्ण परमात्मा और अविनाशी भगवान नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने फोन किया वहाँ पे कि मतलब ये कैसा ज्ञान है। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़े हुए थे, हमारे गांव के आसपास है उनका घर, तो उन्होंने बोला ये ऐसा ज्ञान है, और उनकी बेटी को भी तकलीफ होती थी भूत प्रेत की बात आती। तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी, फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नाम ले लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, फिर उसको नाम दीक्षा हमने 2018 में दिलवाई। उसके बाद उसमें बहुत लाभ हुए, वो उसका नशा छूटा, और वो जो उसका भागना था इधर उधर वो भी दूर हुआ, और वो भक्ति भी करता है, अपना जो पर्सनल काम भी नहीं करता था पहले, वो नहाना धोना जैसे होता है वो भी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने सारा काम करता था, मम्मी का कहना मानना, अपना दिनचर्या जो उसकी थी, और परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली उसके लिए, संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए, चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने 12 साल के बाद, हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है, ये हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये भी है कि वो भक्ति भी करने लगा है, नशा भी छूट गया है उसके परमात्मा की कृपा से, और सुखी सुख है मेरे घर में। मेरी मम्मी के पैर में गांठें होती थी नीचे, चल नहीं पाती थी मेरी मम्मी, पैर में जो गांठें थी वो बचपन से थी, और मेरी मम्मी ने सब जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बोला सब डॉक्टरों ने बोला ये तो बचपन से है आपकी, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसमें तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मतलब इसको सर्जरी करा सकते हो, इसकी सर्जरी कराने के बाद ये ठीक होगा। तो फिर मम्मी सोचती थी सर्जरी से पता नहीं क्या हो जाएगा पैर में, करती तो थी, कोशिश करा की भी थी एक बार, तो लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं हुआ।
और मेरी मम्मी के घुटने में भी दर्द होता था, सर में भी दर्द होता था। पूर्ण रूप से मेरी मम्मी बस में भी नहीं चढ़ पाती थी। जब मेरी मम्मी अपना मतलब हॉस्पिटल जाती थी, ड्यूटी पे जाती थी, चढ़ भी नहीं पाती थी बस में। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में जो सुख हुआ, वो इतना सुख हुआ है, इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकती कि हे परमात्मा, आप हमें पहले मिल गए होते तो हमको इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हम बहुत ही खुशहाल हैं, जैसे बोलते हैं कि अंदर बाहर दोनों घर में बहुत बरकत है हमारे घर में, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो महिलाएं, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, वो भी आपकी तरह दुखी हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें जो आश्रम के नंबर है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स को लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नाम दीक्षा लेने से पहले आप सबसे पहले ज्ञान समझिए। अगर संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनका ज्ञान कैसा है, ये कैसी भक्ति विधि बताते हैं, जो शास्त्रों से प्रमाणित से भी प्रमाणित ज्ञान है, शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसी अनुसार ये भक्ति विधि बता रहे हैं। आज हमारे देश में इतने भी धर्मगुरु बैठे हैं, किसी के पास भी भक्ति विधि नहीं है, उन्होंने जनता को लूटा है और धोखा दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक शास्त्रों को खोल के, हर धर्म के ग्रंथों को खोल के दिखाया है कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वो अविनाशी नहीं है। वो खुद बता रहे हैं देवी भागवत में कि हम प्रकृति दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हैं, अगर जिसको पता नहीं है, जन आविर्भाव तिरोभाव संस्कृत का जो अर्थ है उसको डिक्शनरी में भी देख सकता है। और सारे ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब आज पढ़ा लिखा समाज है, ये तो है नहीं कि कोई कोई जानता नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, वो YouTube पे देख सकता है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। YouTube पे आता है, Facebook पे है, Instagram पे है, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप पहले उनका ज्ञान सुनिए ध्यानपूर्वक, और अदर जो और गुरु हैं हमारे धर्म, जो संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उनके ज्ञान से कंपेयर करिए। आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप उनके ज्ञान से और इनके ज्ञान से कंपेयर कीजिए कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी और इनके ज्ञान में क्या फ़र्क है। फिर देखिए कि आपको पता चलेगा कि असलियत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और हमें बताया क्या जा रहा था, हमें कैसी भक्ति बताई जा रही थी। और उस भक्ति को करने के बाद हमारे पूर्वज भूतियोनी में जाते हैं, पितृयोनी भूतियोनी में जाते हैं, फिर हमको परेशान करते हैं, हैं, और फिर वही पंडित हमको घुमा फिरा के उसी चीज़ में लगे रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं इसको 12-15 साल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इतना पैसा बर्बाद किया है इन पंडितों के चक्कर में और इन पूजाओं के चक्कर में कि अब हमने कान पकड़ लिए हैं कि हमको तो भगवान ने दे दिया है सच्चा ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया है। इस विश्व में, इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है और उनके बराबर ज्ञान देने वाला गुरु भी नहीं है। तो यही मैं भगत समाज को विनम्र निवेदन करके प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, आप देखिए तो सही उनका ज्ञान कैसा है। उनकी पुस्तक पढ़िए, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, ये पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो पीली पट्टी आती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपने लिए फ्री पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपने घर पे, और वो पुस्तक को आप पढ़िए, ज्ञान उस ज्ञान को देखिए, आपके घर में देखना कितना लाभ होगा, आपके घर में कलेश नहीं होगा। सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि हम इस संसार में आए क्यों थे और आए हैं तो फिर हम जाएंगे क्यों, और जाना था तो जाना कहाँ था, हैं, जाना था तो हमने कहाँ जाना था, हम कहाँ से आए हैं और हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इस ज्ञान और इस गूढ़ रहस्य को केवल संत रामपाल जी महाराज ने दिया है और किसी धर्म गुरु ने नहीं दिया है। धन्यवाद जी, सत्साहिब जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें